गया तो ये हैदराबाद के तारीखी बोलियों में से एक बोली बनेगी इंशाल्लाह। आदाब नाजरीन, अभी इस वक्त हम लोग लंगर हाउस तकिया बेदार शाह क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर ये बताया गया था कि कब्रिस्तान की कब्रों को मिसमार करके तोड़ करके यहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, लैंड ग्रैबिंग की जा रही है, जिसके बाद से हैदराबाद में एक आवाम में बेचैनी का माहौल पाया गया था। हम आज यहाँ पर ग्राउंड पर आए हैं, आप देख सकते हैं यही वो बोली है और इस बोली की तारीख़ अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 400 साल से ज़्यादा कदीम ये बोली है या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इस बोली के अंदर तकरीबन 26 कमान मौजूद हैं जो फ़न तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। और इतनी खूबसूरत बोली को अगर इस कदर बन कर दिया जाएगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे। दूसरी चीज़ जो सामने वाली पार्टी है वो ये कह रही है कि ये बोली जो है उनकी ज़ाती है, जबकि वक्फ बोर्ड के अमले को जो यहाँ पर के मुतवल्ली हैं, जो जिनकी 8वीं पीढ़ी यहाँ पर तौलियत कर रही है माशाल्लाह से, सालों साल से वो यहाँ पर खिदमत गुजार हैं, उन लोग का बताना ये है कि ये जो बोली है ये कब्रिस्तान की है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कब्रिस्तान के अंदर से इस बोली का रास्ता है, ना कि उस मकान से जो लोग दावा कर रहे हैं कि ये बोली उनके अंडर में आती है। ये लोग वक्फ बोर्ड के अमले को इन्फॉर्म करते हैं, वक्फ बोर्ड का अमला आता है और वक्फ बोर्ड का अमला ये बताता है कि नहीं, ये बोली जो है ये कब्रिस्तान की है और कब्रिस्तान वक्फ का है। अगर आप इस कब्रिस्तान की तारीख़ देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा कदीम कब्रिस्तान है। बताया जाता है कि ये कब्रिस्तान जो है वो हज़रत बेदार शाह रहमतुल्लाह अलैह क़िबला के दरगाह के अंदर आता है और हज़रत की जो सवान हयात है वो तकरीबन 700 या 800 साल पुरानी सवान हयात है। और तारीख़ में यूँ भी ज़िक्र किया गया है कि बादशाह वक्त औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर से गुज़र रहे थे तो आपने यहाँ पर ज़्यारत की और हज़रत की एक छोटी सी गुम्बद को भी तामीर करवाया। अब इस मसले को लेकर के हैदराबाद के आवाम में जो बेचैनी है वो यकीनन ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि तेलंगाना बनने के बाद से जीएचएमसी की जानिब से कई ऐसी कदीम बोलियां हैं जिनका रेनोवेशन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ़ उन बोलियों को छोड़ दिया जा रहा है जिनकी तारीख़ कुतुब शाही दौर से मिलती है। ये लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है, कब्रिस्तान के अंदर है, इतनी खूबसूरत बोली है, अगर इसका रेनोवेशन किया जाए, इसका रिस्टोरेशन किया जाए तो यकीनन ये एक हमारे लिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और हम इसी तरह से उसको देखभाली भी कर सकते हैं। बोली के ऊपरी हिस्से में कुछ मकानात बन चुके हैं जो बोली की ज़मीन है। अब वक्फ बोर्ड अमला जो गहरी नींद सो रहा है, काफ़ी मस्त नींद में वक्फ बोर्ड नज़र आ रहा है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब सिर्फ बयान देते हुए नज़र आते हैं कि शादी में एक खाना रखो, एक मीठा रखो, बारात मत रखो, शादी दिन में करो, शादी खाना ये लो ऐसा लो, और कभी कभार तो वो कोरोना के मसले पर भी गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड की कब्ज़ा होती हुई जायदादों को लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की चुप्पी खामोशी आवाम को परेशानी का सबब बनाती जा रही है। आइए देखते हैं यहाँ की और कुछ झलकियाँ। हैदराबाद मीडिया टाइम्स, दक्कन डेली और E99 एक्सप्रेस TV के लिए मैं हबीब मसूद, कैमरामैन अदनान अली खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ के कब्रिस्तान के मुतवली साहब का बेटा हूँ। हमारे दादा बा मुतवली थे और हमारे वाली साहब मुतवली है, अब हमारे भाई मुतवली है। ये हम इसके ऊपर मुद्दा उठा रहे कि ये कब्रिस्तान की कदीम बोली है। ये बोली को हमारे नवाब साहब जो है तायब अली नवाब साहब, उन्होंने बता रहे कि ये इनकी बोली है, ओन प्रॉपर्टी है मेरी, बल्कि बोल रहे कि हम ये दावा करें कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कुतुब शाही के ज़माने की बोली है, ये कदीम बोली है, ख़ूबसूरत बोली है, आप जाके जायज़ा कर सकते बोली का हमारी। इसके अलावा भी हम वक्फ बोर्ड में जाके गुजारिश करें कि बोली को ऐसा कर रहे, ढाप देने की कोशिश कर रहे, कचरा पट्टी डाल दे रहे, उसके ऊपर जो मकाना बना दिए 1000 गज जो ज़मीन है, आजूक जो बाजूक उसके पूरे इधर साइड मलगियाँ डाल दिए, उधर साइड कमरे बना दिए, उधर साइड कारखाने डाल दिए, डाल दे के क्या है बोली को बंद करने की पूरी साजिश लगी हुई है। तो हम कल न्यूज़ में इसलिए डाले कि ये बोली में तो पाया भर रहे थे वो लोग, खोदम खादी का जो दीवारा बना के हदबंदी करा लेने वाले थे हमारे कब्रिस्तान की बोली को। तो वो हम क्या करें, सलीम साहब चेयरमैन साहब को वक्फ बोर्ड गए कंप्लेंट करे, वहाँ से फिर इधर आए तो आके वो लोग जायज़ा करके गए बोली का, अभी काम तो कुछ भी नहीं कर रहे बोली का।
कितने साल पुरानी बोली है ये? 400-500 साल से ज़्यादा है पुरानी। अभी उसके जो सीढ़ियाँ आप खोदे गए आप बता रहे, तो कितने सीढ़ियाँ निकले और उसके अभी हम रास्ता यहाँ से जब उन्होंने ये खोदम खादी का जो काम कर रहे थे उन्होंने तो हम बताए कि यहाँ से सीढ़ियाँ हैं कब्रस्तान की बोली, ये इंटरेस्ट कब्रस्तान को है, ये बोली कब्रस्तान की है बोल के बोला। मैं बोलने के बाद उन्होंने बोले नहीं ये ओन प्रॉपर्टी है मेरी, ये कब्रस्तान की नहीं होती बोल के उन्होंने बोले। तो उस वजह से वो सीढ़ियाँ निकाले, हम सीढ़ियाँ निकाल के बताए हम। तो अभी जब वो कुछ काम करने गए तो अभी कुछ बोली को नुकसान करे? नहीं, बोली को तो नुकसान नहीं कर रहे, फेंसिंग करा ले रहे बोली को। अच्छा, तो दीवार उठा रहे? दीवार उठा ले रहे।